सुजानपुर शहर के विकास पर 60 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इस राशि से सबसे पहले शहर में पक्के खोखे बनाकर व्यापारी वर्ग को दिए जाएंगे ताकि उनकी आजीविका के साधन मजबूत हो सके। ये बात केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री एवं कॉरपोरेट मंत्रालय भारत सरकार एवं हमीरपुर लोकसभा सांसद अनुराग ठाकुर ने देश की राजधानी दिल्ली में उनसे मिलने आए नगर परिषद सुजानपुर के अध्यक्ष अशोक मेहरा से कही। आपको बताते चले कि नगर परिषद अध्यक्ष अशोक मेहरा अपनी बेटी के रिश्ते को लेकर दिल्ली पहुंचे थे। इसी बीच वे अपने परिवार सहित केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर से मिलने के लिए दिल्ली स्थित उनके निवास स्थान पर पहुंचे, जहां उन्हें नवरात्र की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। वहीं उन्हें सुजानपुर आने का निमंत्रण भी दिया। अनुराग ठाकुर ने उनका निमंत्रण कबूल करते हुए कहा कि आने वाली 23 अक्टूबर को वे सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में आएंगे। उनके साथ पंचायती राज एवं ग्रामीण मंत्री वीरेंद्र कंवर भी उपस्थित रहेंगे। सांसद अनुराग ठाकुर ने बताया कि सुजानपुर शहर में विकास को लेकर भाजपा सरकार वचनबद्ध है, इसलिए शहर में विकास हेतु 60 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। सबसे पहले शहर में पक्के खोखे बनाने का सपना पूरा होगा, उसके साथ साथ अन्य विकास के विकल्प अभी सुजानपुर शहर में स्थापित किए जाएंगे ताकि सुजानपुर शहर की अलग पहचान बने। इस मौके पर नगर परिषद अध्यक्ष के साथ उनकी धर्मपत्नी एवं पूर्व वार्ड पार्षद अनिता मेहरा, उनके बेटे एवं पारिवारिक सदस्य मौजूद रहे। अध्यक्षता मेहरा ने बताया कि दिल्ली में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर से उनके निवास स्थान पर मुलाकात हुई है। आने वाली 23 अक्टूबर को वे सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे, जो क्षेत्र के लिए खुशी की बात होगी। आने वाली दिवाली पर निर्माण कार्य का शिलान्यास प्रक्रिया भी करवाई जाएगी। मैं आज मुझे आज दिल्ली जाने का मौका मिला। मैं वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर से मिला। मैंने कुछ महीने पहले अनुराग जी से खोखों के बारे में चर्चा की थी। उन्होंने इस मांग को हमारे को पूरा करते हुए 60 लाख रुपया इसमें डाल दिया है और दिवाली को इसका शिलान्यास किया जाएगा। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ जो उन्होंने गरीब आदमी के बारे में सोचा। कई सालों से ये समस्या थी, उन्होंने इस समस्या को पकड़ा और इसका काम किया। मैं उनका बड़े दिल की गहराइयों से और गरीब आदमी की तरफ से, रेहड़ी वालों की तरफ से उनका धन्यवाद करता हूँ।